दोस्तों ये आप लोगों के लिए एक कमाल का वीडियो, जिसमें आज बात करेंगे एक सीरियस टॉपिक के बारे में। तब आती है दोस्तों आपके चैनल पे, आपके अकाउंट पे स्ट्राइक, या वो कम्युनिटी की हो या वो दोस्तों कॉपीराइट। तो आप अपनी जगह अगर आप सही हैं तो आपको क्या करना है और कैसे स्ट्राइक हटाएंगे वो आज आपको बताऊंगा। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। मेरे चैनल पे भी एक ऐसी स्ट्राइक आ चुकी थी और मैंने कैसे हटाई उसको 1 घंटे के अंदर ही दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ASJ, आप देख रहे हैं माउंटेन टेक लैंग्वेज स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक दोस्तों मैंने 1 घंटे में हटाई। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताने चाहूंगा कि दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है वो इस वीडियो में आपको जरूर से बताऊंगा। मतलब उससे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक क्यों आती है और क्या वजहें होती है, पहले उसको हम जानेंगे। और आपको मैं बताऊंगा क्या मैंने कड़ा स्टेप टू स्टेप बताऊंगा ताकि आप भी अपने चैनल से दोस्तों इस स्ट्राइक को 1 घंटे के अंदर हटा पाए दोस्तों। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से, जो हमको क्यों आती है स्ट्राइक एक कम्युनिटी गाइडलाइंस के थ्रू। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों पॉइंट ये है कि आपका दोस्तों अगर होता है वीडियो एक न्यूडिटी सेक्सुअल कंटेंट होता है दोस्तों तो स्ट्राइक आ जाती है दोस्तों। अगर दोस्तों एक आप एडल्ट जो कंटेंट बनाते हैं दोस्तों वो वीडियो जो आप यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, यूट्यूब आपको ये जो है अनुमति नहीं देता, ये आपको जो है दोस्तों आप इस चीज के लिए फ्री नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप ऐसा कंटेंट यहाँ पर डालें। मगर दोस्तों आपका कोई अलग पर्पस है, आप एजुकेशनल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं दोस्तों, साइंटिफिक बनाते हैं दोस्तों, और आपका दोस्तों जो पर्पस है वो एकदम क्लियर है दोस्तों, और आपका दोस्तों कुछ भी ऐसा गलत दोस्तों उद्देश्य नहीं है वीडियो डालने के पीछे दोस्तों। मगर आ गई है दोस्तों गलती से आपके पास स्ट्राइक, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। मगर आपको करना ही चाहिए, अगर आप ऐसा कोई वीडियो डालते हैं दोस्तों तो सबसे पहले उस पे दोस्तों आप करना है अपना एज रिस्ट्रिक्शन मोड को ऑन उस वीडियो को अपलोडिंग के टाइम। तो दोस्तों आपका अगर एज रिस्ट्रिक्शन मोड नहीं है ऑन तब भी आ जाती है, मगर एज रिस्ट्रिक्शन मोड ऑन है तो यूट्यूब समझता है और देखता है कि हाँ ये कंटेंट सही है और आपका कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है और आपका रहता है वीडियो उस पे आपके चैनल पे और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी बना रहता है। तो दोस्तों आपको समझ गए होंगे कि ऐसा काम नहीं करना है जो अभी के लिए गलत हो। आप फैमिली कंटेंट बनाइए डालिए और फैमिली का दोस्त पैक नहीं देख सकते हो, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। और दोस्तों तो आप जान रहे हैं कि क्या होता है न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो दोस्तों वो है हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट। दोस्तों हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट, जैसे दोस्तों एक बहुत फेमस और मशहूर गेम अभी वायरल हुआ पूरी दुनिया में पिछले दिनों, जिसका नाम था द ब्लू व्हेल गेम। दोस्तों बहुत ही खराब गेम, एक उसको खेल बच्चों ने बहुत देशों में, इंडिया में भी बहुत से बच्चों ने सुसाइड किया, ऐसा गेम था दोस्तों। वो एक गलत उस बनाने वाले की मंशा थी, उसका उद्देश्य कुछ और था, लोगों को मारना उसका उद्देश्य था। वो चाहता था कि जो दुनिया में कमजोर लोग हैं वो मर जाएं, और जिनको मानसिक रूप से कमजोर है वो लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो मर गए दोस्तों। मगर दोस्तों वो साइको था, ऐसा किसी को नहीं है कि हम दूसरे को कहें कि आप जहां से कूद जाओ वहां से कूद जाओ, आप मार लो मर जाओ, नहीं कर सकते, इसको परमिशन नहीं इस दुनिया में ऐसा कहने की कहने के लिए। तो यूट्यूब भी कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, किसी को फोर्स मत कीजिए, इनकरेज मत कीजिए, किसी को बताइए मत कि आप दूसरे को नुकसान पहुंच जाए और वो काफी घायल हो जाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ऐसे वीडियो नहीं डालने चाहिए। अगर आप डालेंगे तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आएगी और दोस्तों आपका वीडियो भी डाउन होगा। आगे चलेंगे दोस्तों, बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट है दोस्तों हेटफुल कंटेंट। तो हेटफुल दोस्तों हम घृणा एक दूसरे के प्रति, दोस्तों हम किसी को नहीं भड़का सकते कि हम कह रहे हैं कि वो इंसान बुरा है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हम यूट्यूब के ऊपर दोस्तों। और दोस्तों यूट्यूब पे क्या, हम कहीं पर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे गलत काम है, हम दूसरे को जो है दूसरे को नहीं कह सकते उसको सपोर्ट करके कि इसने गलत काम किया है, इस चीज को सपोर्ट करें कि इसने गलत किया, गलत किया, गलत किया है, तो दूसरे ने गलत किया है या अच्छा किया हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों। अगर उसने गलत किया है तो ऐसा नहीं है दुनिया में हर कोई दोस्त है, किसी ना किसी से दुश्मनी होती है, वो उसका पर्सनल मैटर है दोस्तों, हम दूसरे को नहीं कह सकते और ऐसा फायदा नहीं उठा सकते कि इसके बारे में कह के, क्योंकि दोस्तों व्यूज पा सकते हैं आप ये कह के, दोस्तों व्यूज तो पा लेंगे मगर यूट्यूब ने पकड़ लिया तो
आपका चैनल भी स्ट्राइक में आएगा और आपका वीडियो भी डाउन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने चैनल की रेपुटेशन बना के रखनी चाहिए, दूसरे के मैटर में अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। आगे चलेंगे दोस्तों, बात करेंगे अगले पॉइंट की। दोस्तों अगला पॉइंट है वो है वॉयलेंशन के ऊपर कि दोस्तों हम किसी को ऐसे जो भड़का नहीं सकते। दोस्तों बहुत से आपने देखे होंगे यूट्यूब पे चैनल है जो न्यूज चैनल है, न्यूज को बताते हैं, चैनल पे आते हैं, दिन के जो है 10 से 15 वीडियो भी आ जाते हैं किसी किसी के ऊपर। दोस्तों बहुत से लोग ऐसा है कि गलत न्यूज फैला देते हैं ताकि व्यूज आ पाए। एक ट्रेंडिंग टॉपिक होता है तो लोग देखते हैं कि उनको नहीं पता चलता न्यूज टीवी न्यूज चैनल से अखबार से, मगर यूट्यूब को देख लेते हैं। अगर यार ये भी एक पॉइंट है, ऐसा हो गया जैसे आप फैला रहे किसी देश में हमला कर दिया, दो लोगों ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो फेमस हस्ती होती है उसके बारे में कह दें तो लोग जाने जाते कैसे क्या हुआ, मगर आप बता दें ऐसी गलत न्यूज दे दें तो ये सही नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते YouTube पे, ये YouTube गाइडलाइंस खिलाफ है, तो इसलिए कम्युनिटी स्ट्राइक आपके चैनल पे आती है। दोस्तों अब चलेंगे दोस्तों आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो दोस्तों वो हैगा हरिसमेंट और दोस्तों साइबर बुलिंग। तो हरिसमेंट नहीं कर सकते किसी को दोस्तों, आप हरिस नहीं कर सकते, और साइबर बुलिंग। दोस्तों साइबर बुलिंग क्या होती है कि आप जो है दोस्तों जो है किसी को धमकी नहीं दे सकते साइबर पे। दोस्तों जो हमारा होता है साइबर क्राइम फैल रहा है, हम साइबर क्राइम करते हैं और धमकियां देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो साइबर बुलिंग होती है कि जो है आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। ऐसा करना मना है यूट्यूब पे, आप ऐसे वीडियो नहीं डाल सकते यूट्यूब के ऊपर, आपके चैनल भी डाउन हो, चैनल पे स्ट्राइक आएगी और वीडियो भी डाउन हो जाएगा। दोस्तों अब चलेंगे दोस्तों आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की, स्पैम मिसलीडिंग और दोस्तों जो मिसलीडिंग मेटाडेटा और स्कैम। दोस्तों स्पैम और स्कैम फर्जीवाड़ा तो आप जानते ही होंगे, मिसलीडिंग मेटाडेटा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कि चैनल पे दोस्तों आप तो एक वीडियो डाला जिसका आपका थंबनेल, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग जो आपने बताया, वो जो हमने वीडियो में बताया वो मैच नहीं कर रहा आपका टाइटल से भी, वो आपका जो है आपका डिस्क्रिप्शन भी है कुछ लिखा हुआ है, आपने थंबनेल ऐसा लगा दिया कि लोग उस पर क्लिक कर रहे आ रहे भागे भागे, और आप ऐसा नहीं कर सकते। जो आपने वीडियो बताया वही आप डालिए आपने चैनल के, जो आप वीडियो डाले उसके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में और थंबनेल भी बनाइए। तो ऐसा नहीं कि हम जो है दोस्तों जो है थंबनेल अच्छा नहीं बना सकते, मगर दोस्तों बहुत से लोग बताते कुछ थंबनेल कुछ लगा देते हैं, बहुत से लोग सिर्फ थंबनेल, आप खुद ही मैं बता दूं बात करता हूँ टाइटल क्या, मगर थंबनेल पे ही पहले उनका ध्यान जाता है क्योंकि इतना बड़ा पिक्चर लगी होती है उसके ऊपर क्या लिखकर क्या बना सबको उसके ऊपर ध्यान जाता है। दोस्तों देखते हैं कि दोस्तों अच्छी चीज लगता है तो नीचे पढ़ लेते हैं उसका टाइटल और फिर उस पर चले जाते हैं। दोस्तों आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा करना मना है यूट्यूब पे कि पता कुछ रखा दाल कुछ रखा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते यूट्यूब के ऊपर। दोस्तों चलेंगे दोस्तों आप बात करेंगे अगले पॉइंट की, वो है थ्रेट्स। दोस्तों ये क्या है, दोस्तों ये है जो धमकी देना हुआ कि मैं तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही मेरे पास उसको लीक कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसा करना बिल्कुल मना है। दोस्तों YouTube पे ऐसा आप नहीं कर सकते, बिल्कुल मना ही है से। दोस्तों YouTube आपको शायद चैनल एकदम से भी बंद कर सकता है, शायद आपको स्ट्राइक ना आए, आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा एकदम से और चैनल भी बंद हो सकता है। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पर्सनल डाटा आप ऐसे शेयर नहीं कर सकते कहीं पर भी। दोस्तों आगे चलेंगे दोस्तों बात करेंगे वो है कॉपीराइट। दोस्तों कॉपीराइट आप समझते ही होंगे, मगर आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता, कॉपी आप समझते हैं किसी की नकल कर लेना। अब किसी ने कुछ डाला बना के आपने डाल दिया दूसरी जगह अपने चैनल पे, दोस्तों वो नहीं कर सकते, YouTube पकड़ लेगा। जब आपका अपलोडिंग होती है उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग में उस चक्कर में आपको पकड़ा जाता है कि तब आपको प्रोसेसिंग होती है। तो YouTube का दोस्तों जो है प्रोग्राम किया गया इस तरीके से कि अगर कहीं पर भी YouTube पे सालों पहले या अभी इसी मिनट पहले एक मिनट पहले भी अपलोड हुई है ये चीज कहीं पर भी, हिंदी में या इंग्लिश में या फारसी में या उर्दू में, वो आपका पकड़ा जाएगा, या वो एक मिनट का वो पूरे वीडियो में या पूरा वीडियो ही कॉपी हो दोस्तों आप पकड़े जाएंगे। मगर आप सोचे बहुत से लोग कि मैं आगे या पीछे कुछ डाल दूंगा और थोड़े से जो है डाल दूंगा कॉपी करके, मगर थोड़ा सा भी पार्ट पकड़ा जाता है कॉपीराइट प्रोसेसिंग में, दोस्तों प्रोसेसिंग होती है तो कॉपीराइट आ जाता है। तो दोस्तों अब आगे चलेंगे बात करेंगे दोस्तों इंप्रेशन की बात करेंगे। दोस्तों ये क्या है, दोस्तों इसमें जो है आप एक अलग से कोई जो है अकाउंट, एक अलग से चैनल ही बना सकते और चैनल के लिए कि आप उसमें उसकी बुराई कर दें और कुछ ऐसा कह दें कि लोग जाने जाए। कुछ लोग होते हैं बहुत वीआईपी होते हैं, बहुत जानी मानी हंसते होते हैं, आप उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि दूसरा जो है उसको एम्बैरेस होना पड़े या उसको गुस्सा आए या उसकी जो है दोस्तों जो सेल्फ डिग्निटी होती है, उसकी जो गुडविल है वो डैमेज हो। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते यूट्यूब के ऊपर। दोस्तों आपको
मना है, आपके चैनल पर आएगी स्ट्राइक, वीडियो हो जाएगा डाउन। आगे चलेंगे दोस्तों, अब बात करेंगे लास्ट की दोस्तों, वो है दोस्तों जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन होता है दोस्तों, आप नहीं कर सकते। वो एक चैनल था दोस्तों बहुत जाना माना, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वो चैनल कर दिया गया है यूट्यूब से डिलीट, वीडियो डाउन कर दिया गया है। अब थे उसके सब्सक्राइबर 8 मिलियन दोस्तों, और दोस्तों उसको बंद कर दिया। क्या करता था वो, बच्चों को, छोटे बच्चों को वीडियो डालता था, उनको डराना, धमकाता था, मारता था, पीटता था, वीडियो दिखाता था। दोस्तों ये करना मना है यूट्यूब पर, ऐसे वीडियो नहीं डाल सकते और ऐसे डालने भी नहीं चाहिए। और हम सब जो है दोस्तों कभी बच्चे ही थे, अगर आप तो सोचिए कि आपके साथ ऐसा होता, आप नहीं समझते कि दूसरा पैसा कमाने के लिए ये सब कर रहा है आपके साथ, मगर आपको तो तकलीफ होती है दोस्तों। तो और भी जो इंसान है उनको भी तकलीफ होती है, वो डरते हैं, उनको भी दर्द होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। चाहे आप तो आपका उद्देश्य बुरा नहीं है करना, पता आप उसका वीडियो बनाएंगे और डाल देंगे और बाद में आप लाड़ कर लीजिए, प्यार कर लीजिए, मगर दोस्तों आपकी वीडियो देखकर शायद और भी इंकरेज हो ऐसा करने में, और बच्चों के ऊपर भी ये सब गुजरे, तो ऐसा आप मत कीजिए और ऐसा करना बिल्कुल मना है दोस्तों। दोस्तों अब बात खत्म हो गई, मैंने आपको बता दिया कि किस किस वजह से स्ट्राइक आती है कम्युनिटी गाइडलाइंस के थ्रू। अब दोस्तों अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ये बात है दोस्तों, एक वीडियो डाला था मैंने, शायद आपने देखा हो या मैंने देखा हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला वीडियो था दोस्तों Xiaomi, वो एक प्रो एंड कॉन्स शेयर किए थे मैंने आप लोगों के साथ। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि ये वीडियो डाल रखा था मैंने, 7-8 महीने चल रहा था कोई कुछ नहीं, मगर एकदम सा इस पे दोस्तों स्ट्राइक चैनल पे और वीडियो कर दी गई डाउन। मैंने एक वीडियो डाली दिन के टाइम और शाम को मैं चेक कर रहा था कितने व्यूज आए, क्या हुआ चैनल पे, क्या चल रहा है, तो मैंने देखा कि स्ट्राइक आ गई एकदम से। मैं भी शॉक्ड हो गया कि यार किस वजह से आ गई, कौन से पे आ गई, कौन से वीडियो डाउन हो गया। तो आगे चला हूं, मैंने देखा पढ़ा मैंने, तो ये वाला मैसेज आया था दोस्तों मेरे चैनल पे कि आपका जो है दोस्तों जानता था कि अब आगे स्ट्राइक, तो कुछ ना कुछ तो करना है उसको हटाने के लिए, तो मैं एकदम रिलैक्स रहा, मैंने कुछ भी हपड़ तपड़ जल्दबाजी नहीं करी, मैंने दोस्तों सोचा समझा पहले। तो दोस्तों मैंने एक जो है दोस्तों आपको अगला दिखाता हूँ जो यहाँ पर आ रहा था नीचे एक्नॉलेज। तो सबसे पहले हमको करना पड़ता है एक्नॉलेज कि मैंने जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। अब मेरे पास था एक हफ्ता इस वीडियो को दोस्तों यूट्यूब रखेगा अपने पास एक हफ्ते तक के, उसके बाद कर देगा अपने सर्वर से भी डिलीट, और फिर आप जब सही हो या गलत उसके बाद नहीं आ पाता है वो वीडियो दोस्तों एक हफ्ता था, मगर मैंने अगले एक घंटे के बाद जो अपील आ रही, तो एक घंटे के बाद मेरा वीडियो भी वापस आया और चैनल पे स्ट्राइक भी हट गई दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा हो गया था मेरा, यहाँ पर लिख के आ रहा था आपके इस वीडियो पे आ गई है जो है दोस्तों खराब है कोई वीडियो, इसलिए आपका वीडियो डाउन करके गया है, और नीचे दोस्तों आ रहा था डिसीजन पर अपील कर सकता था। तो यूट्यूब का जो डिसीजन है, जो नॉट डिसीजन है कि वीडियो कर दो डाउन, स्ट्राइक डाल दो, तो इस पर कर सकता हूँ अपील। तो मैंने करी अपील दोस्तों, और क्या था अगला मैसेज दोस्तों, वो था ये दोस्तों, यहाँ पर जो आपको आता है दोस्तों वो आता है अटेंशन। तो दोस्तों आपको जो बताया जा रहा है कि आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि आप इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारी गाइडलाइंस के दोस्तों आपको नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हैं, और किस वजह से हुआ है दोस्तों वो आप जान सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया है, आप जान दे स्टूडियम किया है, तो वीडियो वापस नहीं आने वाला, तो अपील करना बेकार होता है, मगर आपको हर वीडियो की एक ही चांस मिलता है, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो मेरे पास एक ही चांस था, तो मैं उसको गवाना नहीं चाहता था, क्योंकि दोस्तों एक बार कर दिया तो ऐसा नहीं कि मैं दोबारा नहीं कर सकता। सेटिंग्स में जाके आप देखते हैं ऐप की सेटिंग्स में ये हेल्प का ऑप्शन आता है दोस्तों वहां पर, तो दोस्तों वहां से भी मैं मेल भेज सकता हूँ यूट्यूब को, वहां से भी मदद मांग सकता हूँ, मगर उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रोसेस करना पड़ता है दोस्तों, वहां पर जो है दोस्तों इतना इफेक्टिव नहीं होता वहां से अपील करना। तो दोस्तों मैंने जो है मैंने यहीं से करी अपील, क्योंकि यूट्यूब जानता है किस वीडियो की बात कर रहा है और किस वजह से ये हमने डाउन किया, वो भी यूट्यूब के बारे में जानता है, तो यहीं से मैंने अपील की। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों आगे मैं चला इसको ओके किया यहाँ से टेंशन वाले को। तो अगला है दोस्तों ये वाला मैसेज, नीचे डालना पड़ता है हमारा रीजन कि आप क्यों अपील कर रहे हो, हमने अगर गलती की है, आप जानते हो कि यूट्यूब ने गलती की है और वीडियो जिससे हमने अपनी गलती नहीं की है, तो यूट्यूब जानना चाहता है कि हमने अगर गलती की है तो क्या गलती की है, आप रीजन दीजिए। तो दोस्तों मैं नीचे रीजन लिखा ये
कि दोस्तों यहाँ पर ज्यादा जो आपको नहीं मिलता है लिखने का कि आप पूरी जो है किताब लिख दें, इतनी स्पेस नहीं होती है, और पॉइंट टू पॉइंट की बात लिखने की स्पेस होती है, ज्यादा आपको नहीं मिलती। तो यहाँ मैंने लिखा 3-4 लाइन, दोस्तों वो लिखा मैंने बताया इस वीडियो पे एक मोबाइल के बारे में, वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो जो है आप नहीं कर सकते ऐसा, और आपने उसको मेरा कर दिया है डाउन, तो उसको वीडियो को वापस लाइए दोस्त, और मेरा जो है चैनल से भी हटा दीजिए स्ट्राइक। तो मैंने बस इतना लिखा पॉइंट टू पॉइंट वाली 3 चीजें लिखी कि मैं गलत नहीं, मैंने जो इस मोबाइल के बारे में बताया, मैंने बताया दोस्तों तक तू भी जाने, शायद उनको हिंदी ना आती हो, वो यूएसए में रहते हैं, वो इंसान तो करता नहीं दोस्तों स्ट्राइक लगाता नहीं है, जो आपका दोस्तों जो आपका जो यूट्यूब पे जो प्रोसेसिंग होती है उसी दौरान दोस्तों आपका जो है पकड़ लिया जाता है और लगा दिया जाता है, शायद उनको लगा या कंप्यूटर कुछ दोस्तों मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कुछ भी हो गया, 7 महीने के बाद स्ट्राइक आई इस पे। तो मैं जानता था कि मैंने ना थंबनेल ऐसा लगा रखा, ना टैग्स लगा रखे दोस्तों, ना दोस्तों डिस्क्रिप्शन ऐसा, ना टाइटल ऐसा, तो ऐसा क्यों हुआ मैं जानना चाहता था, मगर हो चुका था वो डाउन, तो नहीं जान पा रहा था कि मैं टैक्स चेक नहीं कर पा रहा था अपने दोस्तों, मैं जो था मैं डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लिया, मैंने टैक्स नहीं देख पाया, मैंने थंबनेल देख लिया, टाइटल देख लिया, कहीं गड़बड़ नहीं थी, मगर इसका मैं टैग जो है वो नहीं कर पा रहा था चेक, तो उसके लिए मैंने डांटा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, जो वीडियो में बताया उसी के बारे में मैंने बताया हुआ टैक्स के अंदर भी, तो टैक्स मुझे लगता है बिल्कुल सही हूँ, मैं अपनी जगह 100% मेरे को श्योरिटी थी कि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल मैंने कोई गलती नहीं की है, तो मैंने लिखा दोस्तों, और आगे दोस्तों मैंने अपील वाला जो बड़े अपील कर दी दोस्तों, एकदम रिलैक्स होकर शांति से मैं बैठ गया, और क्यों मैं जानता था आया वीडियो तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, स्ट्राइक रहेगी वैसी, क्योंकि YouTube ना मेरा है ना आपका है, कोई कुछ नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा क्रिएटर कुछ नहीं कर सकता, अगर पकड़ लिया गया और अपील आ गई, मैं तो बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ दोस्तों, बहुत तो आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े बड़े लोगों के जो वीडियो डाउन हो जाते हैं दोस्तों वो कुछ नहीं कर पाते, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ना मेरे पे इतना पैसा, ना मेरी दोस्तों जानकारी कि मैं जाकर कुछ कर पाऊँ, तो मैंने ज्यादा टेंशन नहीं ली, तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, एक दूसरा वीडियो बनाता जैसे दोबारा बता देता हूँ, दोबारा डाल देता, स्ट्राइक आना कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों, 3 महीने के बाद हट जाएगी, अगर 3 भी आ गई तो शायद चैनल बंद हो जाए, मैं दूसरा बना देता, और दोस्तों पैसा कि वीडियो डाउन हो गया तो पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होती, व्यूज कोई बड़ी चीज नहीं होती, मगर दोस्तों चैनल की जो रेपुटेशन होती है, लोगों ने देखा उस वीडियो को, मेरा तो 7 महीने के बाद हुआ, लोगों के दिमाग से हट गया होगा, मतलब ऐसा बहुत सी बार होता है कि अभी डाला 1 घंटे के बाद दोस्तों उस पर आके स्ट्राइक वीडियो डाउन, तो दोस्तों ऐसा होता है कि लोगों ने देख लिया एक वीडियो, जान गए और लोग भी दिखाने चाहते हैं, बताया उनको कि भाई उसने ये बता दिया तू भी देख, अब उसने डाला और सर्च किया वो वीडियो गायब, उसने कहा यार ऐसा कोई वीडियो नहीं, दोबारा उस पर्सन ने देखा जिसने देखा था पहले, उसने भी देखा हाँ यार वीडियो तो गायब हो गया, उसे डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, क्या उस पर आगे स्ट्राइक वीडियो डाउन हो गया, तो दोस्तों रेपुटेशन की बात होती है आपके चैनल की, कि उसकी रेपुटेशन भी दोस्तों जो होती है डैमेज होती है दोस्तों, आपकी गुडविल डैमेज हो जाती है चैनल की, तो सोच समझ के हर स्टेप करना पड़ता है दोस्तों, तो आप ऐसा कुछ मत डालिए YouTube के ऊपर जिससे आ जाए आपके चैनल पे स्ट्राइक और आप कुछ ना कर पाए, यहाँ तो मैं गलत नहीं था, चैनल पे स्ट्राइक भी हटी और वीडियो भी वापस आ गया दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो सबसे पहले अपील मत डालिए, अपील डालना बेकार हो जाएगा, और दोस्तों परेशान कीजिए YouTube को भी, क्योंकि बहुत काम होता है, आप तो शायद एक दो वीडियो हफ्ते के या रोज के बनाते हो और उनको परेशान करना बेकार, मगर अपनी मदद के लिए बैठे आपको जरूर सुनेंगे दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि आपकी बात नहीं सुनेंगे, सुनेंगे, मगर आप खुद जानते हैं कि मैं अपनी जगह गलत हूँ, तो ऐसा मत कीजिए, मत डालिए अपील, और सबसे तो पहले ऐसे वीडियो भी मत डालिए जो दोस्तों जो स्ट्राइक आ जाए, जिस वजह से दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होती कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक, क्या होता है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट की स्ट्राइक आती है दोस्तों 3 स्ट्राइक हो जाती है टोटल, जब ऊपर या नीचे दोस्तों कम्युनिटी की हो या कॉपीराइट की 3 हो गई चैनल पर, तो टर्मिनेट हो जाता है पूरा का पूरा अकाउंट ही दोस्तों, फिर आप नहीं डाल पाते हैं, तो सबसे पहले अगर एक स्ट्राइक आती है तो लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि मेरी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी गई थी, दूसरा आ जाता है कि आप अपलोड ही नहीं कर पाते वीडियो 3 महीने के लिए दोस्तों, फिर अगली आती है तो पूरा पूरा चैनल बंद, सब कुछ बंद, ठप, फिर आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, तो अगर आप गलत हैं तो कुछ मत कीजिए ऐसा कि आप पकड़े,
दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कैसे करनी आपको अपील चैनल पर अगर स्ट्राइक तो वीडियो अच्छा लगे तो कीजिए इसको एक लाइक कीजिए अपने दोस्तों शेयर ताकि वो भी जान पाए हाउ टू अपील अगर आ गई है चैनल पर स्ट्राइक। दोस्तों अगर आपको मन में कोई सवाल रह गया तो नीचे जाइए कर दीजिए उसको कमेंट, मैं जरूर से दूंगा उसका रिप्लाई। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो एकदम फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए और मिडिल लीजिए नोटिफिकेशन बेल क्योंकि लेता रहता हूँ आप लोग के लिए कमाल के वीडियो ताकि आपके हो पाए मदद। अभी की बुला लेता है दोस्तों, फिर मिलूंगा आपका वो बियॉन्ड बी टेक की।